राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम भारत के दो तिहाई लोगों को सस्ता अनाज प्रदान करने का आश्वासन देता है। इस योजना को दो वर्गों में बांटा गया है, जिसके अंतर्गत 75% ग्रामीण वर्ग और 50% शहरी वर्ग आते हैं। आवश्यक दस्तावेज: अंत्योदय अन्न योजना राशन कार्ड प्राप्त करने के लिए आवश्यक दस्तावेज निम्नलिखित हैं। आपको निगम परिषद या गांव सरपंच द्वारा प्रमाणित आवेदन जमा करवाना होगा। पूरे परिवार की 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और एक शपथ पत्र भी जमा कराना होगा। अंत्योदय लाभार्थियों को जारी किया गया हरे रंग का राशन कार्ड प्राप्त होगा। अंत्योदय राशन कार्ड किन किन लोगों को दिए जाएंगे? अंत्योदय अन्न योजना कार्ड उन परिवारों को जारी किया जाता है जिनकी प्रति व्यक्ति आय 1 महीने में 250 रुपए से भी कम है। यह उन बुजुर्गों के लिए है जिनकी कोई आय नहीं है, विधवाएं या वो जिनके परिवार विधवाओं द्वारा चलाए जाते हैं। ये कुपोषित और शारीरिक विकलांगों के लिए भी लाभदायक है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लाभ ये हैं, जैसे कि अनाज कम कीमतों पर उपलब्ध है, चावल 3 रुपए किलो, गेहूं 2 रुपए किलो, बाजरा 1 रुपए किलो। बीपीएल परिवारों के प्रत्येक व्यक्ति को हर महीने 5 किलो अनाज, 1 किलो चीनी, नमक, 5 लीटर मिट्टी का तेल सस्ती दरों पर दिया जाएगा। इसमें 4 महीने से 6 साल तक के और 8वीं कक्षा तक के बच्चों को, स्तनपान कराने वाली महिलाओं को, गर्भवती स्त्रियों और बुजुर्ग लोगों को मुफ्त भोजन प्राप्त होगा। इस योजना के तहत स्तनपान कराने वाली महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए की राशि भी प्राप्त होगी और इस योजना के तहत कुपोषित बच्चों के लिए भी खाद्य सामग्री बढ़ा दी गई है। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं, www.indiahub.com।